बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में टोटल चलन न्यूमेरिकल एनालिसिस में आता है प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है। उसका है वीडियो नंबर 7, इसमें बात करने वाले हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की। व्हाट इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? तो इसमें पहला पॉइंट है रिलेशनल ऑपरेटर्स में दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म ए रिलेशन, ठीक है, फॉर्म ए रिलेशन अमंग टू और अदर्स नंबर्स आर कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर्स। अमंग टू या उससे ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा में रिलेशन शो करता है। दीज ऑपरेटर विच कैन यूज टू फॉर्म द रिलेशन रिलेशन अमंग टू नंबर्स या टू ब्रांड्स भी कह सकते हैं, टू नंबर्स भी कह सकते हैं, टू नंबर्स कह सकते हैं या आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर। इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, ठीक है। जहाँ पे हमने टू नंबर्स कहा, यहाँ पे टू ऑपरेंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, टू ऑपरेंड्स, ठीक है। दोज ऑपरेटर्स विच कैन यूज फॉर्म ऑफ द रिलेशन अमंग टू ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स में रिलेशन शो करता है। आल कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर्स, ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर रिक्वायर्ड्स टू ऑपरेंड्स टू परफॉर्म द ऑपरेटर्स, ठीक है। नंबर आता है टू। दूसरा नंबर एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन द रिलेशनल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ द रिलेशन इज ट्रू, अगर रिलेशन ट्रू होता है, ट्रू, देन इट रिटर्न द वैल्यूज 1। If the relation is false, then it return the value 0. ठीक है। दूसरी कंडीशन में कहा है एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन द रिलेशन ऑपरेटर इज कॉल्ड द रिलेशन एक्सप्रेशन, यानी कि जो रिलेशन ऑपरेटर से एक्सप्रेशन शो होता है उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। इफ द रिलेशन इज ट्रू, अगर रिलेशन ट्रू होता है, देन इट इज़ रिटर्न द वैल्यूज 1, तो उससे जो वैल्यू हमको रिटर्न होती है वो वैल्यू 1 मिलती है, ठीक है। एंड इफ द रिलेशन इज फॉल्स, देन इट इज रिटर्न द वैल्यूज 0। जब रिलेशन फॉल्स होता है तो वैल्यूज क्या मिलती है, रिटर्न वैल्यू 0 होती है, और रिलेशन ट्रू होने पर रिटर्न वैल्यूज क्या होगी, 1 होती है, ठीक है। नंबर थर्ड, ऑल द तीसरी कंडीशन आती है, ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, आर बाइनरी ऑपरेटर्स,
ठीक है, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि रिलेशन कम से कम दो में सो होगा, फिर बाइनरी में भी कम से कम दो एलिमेंट्स होते हैं या दो नंबर्स होते हैं, तो रिलेशन भी कम से कम दो नंबर्स या दो ऑपरेंट्स में सो किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स एंड ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर राइट एसोसिएटिव ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर राइट एसोसिएटिव। नंबर आता है फोर पॉइंट्स में, द पॉसिबल पॉसिबल रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज में जो पॉसिबल रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है ये साइन, यानी कि लेस देन इसको बोलते हैं। दूसरा होता है ये साइन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। एंड तीसरा साइन होता है इस तरह का सिंबल, लेस देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन और इक्वल। और चौथा साइन होता है इस तरह से, ये बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन इक्वल हुआ, ग्रेटर देन इक्वल हुआ, और लेस देन ग्रेटर देन। एंड इसमें आगे पॉइंट आता है पॉइंट नंबर फाइव, पांचवा पॉइंट जो पॉसिबल पॉइंट्स होगा वो बनता है इक्वल टू। और छठवा पॉइंट होता है इस तरह से कटा हुआ है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी कि इक्वल एंड नॉट इक्वल। इक्वल में एक ही साइन लगा होता है, एक ही सिंबल सा लगा होता है, और इक्वल टू होता है, पहले शायद दो लाइन होती हैं बड़ी सी, वो इक्वल टू होता है। नंबर पांचवी कंडीशन होती है लेट, जैसे एग्जांपल डालते हैं, ए इक्वल टू अगर 10 है, ए इक्वल टू क्या है 10, बी इक्वल टू 15 है, देन द ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर्स आर देन द ऑपरेंट्स देन द पर रिलेशन ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स या आर या रिलेशनशिप्स क्या हो सकती हैं। नंबर वन रिजल्ट्स वन बन सकता है, ए प्लस बी है, ए बी में रिलेशंस हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर्स में बात कही गई थी कि अगर ऑपरेटर्स ट्रू होता है तो वैल्यूज क्या आती है, वन आती है। ठीक है, तो a लेस देन b, ठीक है, a लेस देन b है क्योंकि a 10 है, b 15 है, a लेस देन b अगर है तो रिजल्ट क्या आएगा, देन रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू 1। रिजल्ट इसमें 1 होगा क्योंकि a b से लेस देन है, ये सही सी बात है। दूसरा रिजल्ट हो सकता है a अगर ग्रेटर देन b कहें तो द रिजल्ट इज 0। रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये फ़ाल्स है, फ़ाल्स की रिजल्ट ज़ीरो देता है। हमारे पास ए 10 है, बी 15 है, अगर ए बी से बड़ा बताएंगे तो रिजल्ट तो फ़ाल्स हो जाएगा, फ़ाल्स पे आता है क्या, ज़ीरो, अगर ज़ीरो लिखा रहा तो फ़ाल्स। आगे बताती है तीसरा रिजल्ट बन सकता है ए लेस देन या इक्वल वी, लेस देन तो है कोई सा एक तो सही है, लेस देन या इक्वल, देन रिजल्ट 1, रिजल्ट क्या है 1 है। अगला रिजल्ट बन सकता है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ग्रेटर देन तो ये है ही नहीं है, है ना, तो रिजल्ट ना ही इक्वल है, तो रिजल्ट आएगा इसका 0, यानी फाल्स होगी कंडीशन। तो कंडीशन फाल्स है, फाल्स पे रिजल्ट कैसा देता है, 0 देता है। यहाँ पे कंडीशन दो नहीं तो एक तो ट्रू था, है ना, लेस देन था, ये लेस देन था, तो लेस देन पे रिजल्ट 1 बन गया है, यानी कि ये एक ट्रू पोजीशन थी वहाँ पे। नेक्स्ट ऑफ रिजल्ट बन सकता है ए इक्वल टू बी,
ठीक है, देखिएगा इक्वल कैसे लिखते हैं, ए इक्वल बड़ा सा लाइन है टू बी, ये होता है इक्वल जनरली उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो देन रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो, रिजल्ट जीरो होगा क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, ए बराबर 10 था, बी बराबर 15 है, एड नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज में आता है कंप्यूटर सी लैंग्वेज में, इस तरह का सिंबल बनता है, बड़ा सा सिंबल बनता है। रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि फाल्स है, ए बी के बराबर नहीं है, फाल्स होने पर फाल्स कंडीशन है, फाल्स पर रिजल्ट ज़ीरो बनेगा। आगे बात बनती है रिजल्ट ए नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बी, कहा है नॉट इक्वल है, तो सही बात है नॉट इक्वल है, ए नॉट इक्वल बी, अगर इस तरह का सिंबल बनता है तो ये ट्रू है, देन रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। तो ये क्या होगा, ए नॉट इक्वल बी, ये ट्रू है, ट्रू कंडीशन में रिजल्ट वन होता है और फॉल्स कंडीशन पर रिजल्ट ज़ीरो होता है, फॉल्स पे रिजल्ट ज़ीरो एंड ट्रू पे रिजल्ट वन।